ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी। गुरुवार को सिर्फ 5 मिनट के लिए ही सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर निचली अदालत के आदेश देने पर आज तक के लिए रोक लगा दी थी। आज दोपहर 3 बजे इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। वहीं हिंदू पक्ष ने इस मामले में अपना जवाब दाखिल कर दिया। ज्ञानवापी मंदिर है या फिर मस्जिद, जंग जारी है, दावे भी जारी हैं और अदालत में एक दूसरे के दावों को झुठलाने की लड़ाई भी जारी है। जिला अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक दलीलें पेश की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई चल रही है। सर्वे रिपोर्ट्स में मंदिर के प्रमाण मिलने का दावा किया जा रहा है। जिला अदालत के फैसले पर रोक लगाने के लिए दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से बहस होगी। वैसे सुनवाई तो गुरुवार को भी हुई, जो कुछ देर में ही पूरी हो गई। जब कोर्ट की कार्रवाई शुरू हुई तो हिंदू पक्ष ने अपने वकील के बीमार होने का हवाला देते हुए कहा कि वो हलफनामा अभी दाखिल नहीं कर पाए, इसीलिए और वक्त दिया जाए। इसके बाद कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से पूछा कि उन्हें क्या कोई दिक्कत है। जवाब में मुस्लिम पक्ष ने कहा कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन निचली अदालत में दीवार तोड़ने और वुजू खाने को लेकर सुनवाई होनी है। इसके बाद कोर्ट ने ऑर्डर जारी करते हुए कहा कि वाराणसी की निचली अदालत से कोई भी एक्शन ना लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए वाराणसी जिला अदालत ने अपनी सुनवाई को 23 मई तक टाल दिया। ऐसा नहीं हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट और ट्रायल कोर्ट साथ में प्रोसीड करें, इसीलिए इन ऑल फेयरनेस मैंने सुप्रीम कोर्ट सामने अंडरटेकिंग दी थी कि ट्रायल कोर्ट में जो हमारे वकील हैं वो कल तक के लिए इस मामले की सुनवाई में प्रोसीड नहीं करेंगे, प्रेस नहीं करेंगे, और कल जब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हो जाएगी और फैसला आ जाएगा उसके बाद ट्रायल कोर्ट आगे प्रोसीड करेगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को आदेश जारी कर शिवलिंग के दावे वाली जगह को सुरक्षित रखने और मुसलमानों को नमाज न पढ़ने से रोकने को कहा था। वहीं मामले पर हिंदू पक्ष ने अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है। इसमें कहा गया है कि ज्ञानवापी मस्जिद ना होकर असल में मंदिर है। ये संपत्ति हमेशा से आदि विश्वेश्वर की रही है, वो ही असली मालिक है। हिंदू सदियों से यहाँ अपनी धार्मिक परंपराओं को निभाते हुए आए हैं। औरंगजेब ने मंदिर के हिस्से को गिराकर उसकी जगह ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई थी। औरंगजेब ज्ञानवापी का धार्मिक स्वरूप नहीं बदल पाया। ज्ञानवापी में श्रृंगार गौरी, भगवान गणेश और बाकी देवताओं की मूर्ति हमेशा से रही है। वैसे सूत्रों के हवालों से मिली जानकारी के मुताबिक कोर्ट कमिश्नर ने अपनी जो सर्वे रिपोर्ट वाराणसी जिला अदालत में पेश की है उसमें मंदिर के अवशेषों का जिक्र किया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि स्वास्तिक चिन्ह, गोलाकार आकृति जैसा शिवलिंग, बेसमेंट में कुआं, दीवारों पर कमल, त्रिशूल और डमरू के निशान मिले हैं। पूर्व कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा ने भी अपनी सर्वे रिपोर्ट में कुछ कलाकृतियों और देवी देवताओं के अवशेष मिलने की बात कही है। दोनों पक्षों ने जो आपत्ति प्रति आपत्ति दर्ज कराई थी उसको माननीय न्यायालय ने इंडेक्स कर लिया, सूचीबद्ध कर लिया, और इस विषय पर चूंकि इस सुप्रीम कोर्ट की भी यहाँ की कार्रवाई को रोक का निर्देश प्राप्त हुआ था उसकी नेट की कॉपी न्यायालय के पटल पर रखी गई। माननीय न्यायालय वाराणसी ने सोमवार की तिथि नियत की है अगली सुनवाई की। यानी सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई शुरू होगी तो जाहिर तौर पर इन सर्वे रिपोर्ट का हवाला जरूर दिया जाएगा। दोनों पक्ष सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।